दिल्ली शराब घोटाले में 6 महीने से जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीधे जमानत दे दी थी, कुछ शर्तें भी लगाई थी। शुरुआत में जब एक दिन में ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था तो उसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी कही गई थी कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन शाम को देर शाम जब ये आदेश जारी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश था उसमें ये लाइन नहीं थी, ये वाक्य नहीं था कि वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा है कि संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के लिए का आदेश दिया जाता है जब तक कि ये जो है केस पूरा ट्रायल लंबित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम साफ करना चाहते हैं कि इस मामले में मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मामला है ये नज़ीर की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, यानी मिसाल नहीं बनेगा, यानी दूसरे जो आरोपी हैं इस जमानत के फैसले को लेकर अपने लिए राहत की मांग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संजय सिंह की तरफ से जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी उनकी उस बात को रिकॉर्ड किया है, उनकी उस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड किया है कि संजय सिंह जमानत पर बाहर आने के बाद अपने इस केस से संबंधित कोई बयान नहीं देंगे, यानी इस केस को लेकर वो किसी तरह की बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर छोड़ा है कि वो जमानत के लिए अपनी शर्तें तय करें। तो ये काफ़ी अहम मामला है। अब सवाल ये है कि ट्रायल कोर्ट किस तरह की जमानत की शर्तें उनके लिए लगाता है, लेकिन वो इस केस को लेकर तो कोई बात नहीं करेंगे। और जो मौखिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, वो जो लिखित आदेश है उसमें वो बात नहीं लिखी गई है। तो काफ़ी अहम है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मंगलवार की सुबह ईडी से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं, उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला है, ना ही कोई मनी ट्रेल मिली है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जो गवाह, जो आरोपी गवाह था दिनेश अरोड़ा, उसने शुरुआत में 9 बार के जो बयान दिए थे, 9 बार उसमें संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया था, सिर्फ 10वीं बार उसने संजय सिंह को पैसे देने की बात की थी। तो ऐसे में उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये बात कही थी। और फिर पूछा था कि आखिरकार संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों ज़रूरी है, ईडी ये बताए। बाद में ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने साफ कर दिया था कि वो इसकी ज़मानत का विरोध नहीं करते हैं और उनको ज़मानत दी जा सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रियायत है ये किसी तरह नज़ीर ना बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये बात लिखी है कि ये जो संजय सिंह को रियायत दी जा रही है ये केस के कि इस केस को देखते हुए दी जा रही है, इसे मिसाल की तरह दूसरे आरोपी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा फैसला है और आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मिली है कि संजय सिंह जो हैं जेल से जल्द बाहर आएंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।